अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है और हमारा दिल किया कि कुछ चटपटा सा खाएं, फास्ट फूड टाइप, तो हमने घर में ही बना लिया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। इसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें बन चाहिए। इसके लिए चिकन मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो, बॉयल कर लिया है इसे मैंने, और जो बोनलेस होंगी उसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी, बाकी मैं इसके रेशे बना के थोड़ा सा छोटा सा कबाब सा बना के उसमें से डाल दूँगी। टमाटर उसको सिंचाने के लिए हैं, और ये तिल भी, और प्याज का सा हम फ्राई करेंगे, और ये आज हमने मेरे गर्म में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हल्की आँच पे आया है, सबसे पहले हम जो अपनी हमारी बोनलेस चिकन है उनको अलग कर देंगे साइड पर, वो फ्राई कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम अपने बोनलेस को सबसे पहले हम इसको एग में, मैंने हल्का सा नमक और चाट मसाला डाला है, बच्चों के लिए भी इसलिए मुनासिब ही रखना है, इसमें डिप किया। उसके बाद हम इसका एक कोट मैदे का लगाएंगे, फिर से दोबारा से हम एग के पेस्ट में डिप करेंगे, और फिर अपने जो तिल हैं मैं इसकी कोटिंग करके फ्राई होने के लिए रखेंगे। ये देखें इस तरह से, बिस्मिल्लाह, हल्के आंच पे, मीडियम आंच पे आप इसको रखें। ये देखें इस तरह से, बाकी भी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, और जब हम फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे, तिल लगाएंगे, इसकी वजह से बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा इसमें। ये देखें हमारे जो है चिकन नगेट्स वो तैयार हैं, रेडी हैं, और बाकी जो है मैंने उसका रेशे करके अलग कर लिए हैं, और अब हम इसकी एक टिक्की सी बना के अपने ऑयल में डालेंगे। ये भी मैं आपको बना के अभी दिखाती हूँ। ये देखें अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। हल्के आंच पे तवे पे इनको आप हल्का सा फ्राई कर लें। पहले मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ स्टार्ट, बच्चों के लिए बनाने के लिए। ये देखें ये प्याज है और ये मायोनीज में है, बच्चों के आप हल्की नमक मिर्च रखें, ये डालूँगी, मायोनीज डालूँगी मैं, टमाटर के पीसेस रखूँगी, और जो मैंने कबाब बनाए हैं चिकन के वो इस पर लगाऊँगी। ये देखें चिकन का कबाब इस पर रख के अब मैं ऊपर से जो इसका दूसरा हिस्सा है इस पर मायोनीज स्प्रेड करके फिर वो इसको बंद कर दूँगी। ये देखें इस तरह से, बच्चे मायोनीज शौक से खाते हैं, ये उनकी सेहत के लिए अच्छी भी है, तो उन्हें आप दें, ज़रूर दें। ऊपर से हम इसके स्माइली बना देंगे ताकि बच्चों को अट्रैक्शन हो और वो खाएं। साथ में अपने नगेट्स रख देती हूँ ताकि वो आराम से शौक से खा लें। ये तो होगी बच्चों की प्लेट तैयार, और ये देखें ये बड़ों के लिए हमने बनाया है। इसको स्प्रेड का आप इस अच्छे से कर दें, चिली सॉस डाल के, वही सारा प्रोसेस है कि नीचे मैंने जो मायोनीज और प्याज है उसका मिक्सचर लगाया, ऊपर कबाब रखा है, और स्पाइसेस के लिए मैंने चिली सॉस ज़्यादा डाली है, वो इस तरह से ये, और ये नगेट्स साथ रखें। ये प्लेट भी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारे यहाँ बारिश हुई है और हम बनाने लगे हैं। ये देखें नाज़रीन इस तरह से बा बहुत ही मज़ेदार लजीज बर्गर तैयार हैं बड़ों और छोटों के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।